अगर तुम हालत सजदा में सजदे की दुआओं को पढ़ लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ दुआएं करना चाहते हो तो तुम अपने मतलब की दुआएं कर सकते हो। अगर मासूर दुआएं आपको याद हैं और वही आपका मकसूद हैं तो मासूर दुआएं पढ़ लें, और अगर मासूर दुआएं जो अहादीस में मौजूद हैं वो आपको याद नहीं हैं या उससे हट करके कुछ चीज़ें आपको रब्बे करीम से मांगनी हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर लें। ऐसे जैसे कि तशहुद के आखिर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, फलयख्तर मिन अद्दुआ अअजबहु इलैह, जो पसंदीदा दुआ है उसे चुन ले और यह वक्त है, इस वक्त में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर ले, मांग ले जो कुछ उसे तलब करना है। इसी तरीके से हालत सजदा में भी कि जो अदकार और जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, जिसका ताल्लुक सलात से है, नमाज की तकमील से है, उसे वैसे ही करना है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, लेकिन उसकी अदायगी के बाद अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहें तो इस इजाज़त के आ जाने के बाद कि हालत सजदा में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो और तुम्हारी दुआएं इस लायक हैं कि उन्हें कबूल की जाएं, इस हालत की दुआएं, तो इस इजाज़त के आ जाने के बाद अगर हम दुआ करते हैं अपनी ज़ुबान में, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा।